जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों ये अगर आप देख सकेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है वो इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर जा रहा है। ये बिल्कुल एक लॉन है व्हाइट हाउस के सामने। नॉर्मली ये लॉन जो है वो खुला होता है और लोग यहाँ पे अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें सिक्योरिटी और ये गाड़ियाँ, ये सीक्रेट सर्विस, ये सारे जो हैं वो सारी बात है बड़ा हाई विजिट है। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट डिनर के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन साहब वो कर रहे हैं, इनको स्टेट डिनर दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं देखूं, यहाँ पे कुछ आपको लोग भी नज़र आएंगे और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इनको वेलकम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है अभी मेरा ख्याल है, मैं ये जब ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेसिकली कांग्रेस से ख़िताब करके अभी निकले हैं। और इम्पॉर्टेंट ख़िताब था जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका और भारत की जो जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं। वी बोथ सपोर्ट डेमोक्रेसी, वी बोथ सपोर्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ज़्यादा लंबा चौड़ा रश नहीं है यहाँ पे, थोड़ा रश है लेकिन जैसे आप कहें कि फिर भी काफ़ी लोग हैं। ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विज़िट है, अगर इसको देखूँ लार्जली तो अमेरिका के अंदर इस वक्त सिर्फ इंडिया हो रहा है, विच इज़ अ फैक्ट। और मैं बहुत सारे अपने पाकिस्तानी दोस्तों से भी मिला हूँ, फ़ोन पे बातें की हैं, उनसे पता किया है कि कैसे आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़िट। तो एवरीबॉडी इज़ जस्ट सेइंग कि जी हमें इट्स ऑल अबाउट इंडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स ऑल अबाउट के इंडिया और अमरीका जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल के बड़े पार्टनर हैं। अगर इसको देखें जैसा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है उसकी बात की है उन्होंने। ये बात आपको याद होगा, मैंने जब पिछली अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था आपके सामने कि जो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे जो पहुंचे थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये सब ने ये कहा था कि हम अमेरिका इंडिया के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। और ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप है दोस्तों, इट मीन्स कि अमेरिका इंडिया का इतिहादी पूरी दुनिया में है। इंडिया अमेरिका का इतिहादी सिर्फ खत्ते में नहीं है, इंडिया अमेरिका का इतिहादी सिर्फ उस रीजन में नहीं है जहाँ पर इंडिया मौजूद है। तो आप ये इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो अमेरिका का इतिहादी अफ्रीका में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है, एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, इंडो पैसिफिक में भी है, इन तमाम जगहों पे इंडिया जो है वो अमेरिका का इतिहादी। और आप इसको लॉन्ग टर्म रेफरेंस से देखें, $200 अरब की बायलैटरल ट्रेड, इंडिया इज़ अ मार्केट जिसमें अमेरिका के जो सदर है वो ये कहता है कि भाई 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी अगर वज़ीर आज़म मोदी या भारत जो है वो हमें देता है असला देता है, हमसे जहाज़ खरीदता है। तो ये इसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली 2600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। और ये थोड़े से लोग जो हैं साथ साथ, मैंने कहा थोड़ी कमेंट्री भी कर दूं, लोगों को भी दिखा दूं, मेरी शक्ल तो आप देखते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं बेसिकली अमेरिका आया हुआ था तो मैंने सोचा दिस इज़ द राइट मोमेंट टू कवर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्रिप। और जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप देखें जो एक अमूमन आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया के सामने नहीं आते, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो जिसमें जो बाइडन साहब थे और क्या नाम है उसका प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बातें हुई उनसे सवाल किया गया ह्यूमन राइट्स का, तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमारे मुल्क में कोई ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो मूड नज़र आता है वो ये है, मूड ये नहीं है कि जो पाकिस्तान कहता है
या इंडिया में जो मुसलमान कहते हैं या जो बाकी दुनिया के ह्यूमन राइट्स ग्रुप या मैं देख रहा हूँ था वॉशिंगटन पोस्ट वाले कहते हैं, मूड ये नहीं है। मूड सिर्फ एक ही है कि इंडिया के साथ किस तरह हमने कारोबार करना है, इंडिया के साथ किस तरह हमने ट्रेड करनी है। ये आप झंडे देख सकते हैं, ये बिल्कुल वाइट हाउस के सामने अमेरिका और इंडिया के झंडे जो हैं वो लगे हुए हैं, और बड़े जैसे कहते हैं ना VVIP प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी को जारी बात है दिया जा रहा है। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है, मैं दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जो लार्जर क्वेश्चन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गल वध गई, ये बेसिकली गल वध गई है। ये अब जो है ना, ये अमरीका और इंडिया जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गए हैं। मैंने पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक वक्त होता था हम कहते थे यार हम अमरीका को ये नहीं कहने करने देंगे, हम अमरीका को कहेंगे कि यार तुसी जड़ा ना पाकिस्तान और भारत को सर बैलेंस क्रिएट करो, आप ये बैलेंस क्यों नहीं करते, आप इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं करते। लेकिन अब वो बात नहीं है, अभी तो वो पाकिस्तान को पूछते भी नहीं हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि अमेरिका, उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह हम खुद है, हमने खुद अपनी वैल्यू कम की है। हम सिर्फ अपना ताल्लुक अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, हम बियॉन्ड सिक्योरिटी जाने नहीं चाहते, हम बाकी चीज़ों की परवाह नहीं करते, हमें इस चीज़ की समझ शौर फिक्र ही नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं वो क्या हैं और किस तरह हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर डिफेंस में आप देखेंगे तो जिस तरह $3 बिलियन की ड्रोन्स की बात हो रही है, उसके बाद जहाज़ों की बात है, उसके बाद एडवांस जो सर्विलेंस सिस्टम है वो इंडिया को मिलेंगे, और जो कुछ भी इंडिया को मिलेगा वो इंडिया की कैपेसिटी और हवाले से तो हो गई होगा, लेकिन वो जारी बात है वो चाइना की वजह से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये देखें, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फ़ायदा तो फिर इंडिया उठा गया ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा पाकिस्तान तो ना उठाया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो फ़ायदा है वो हम तो पिछले 70 साल से ये पीट रहे हैं कि पाइन बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, साड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने अखीर कर दिया है, हमने अमेरिका को ये कर दिया है। हमारे जो सबक जनरल साहब थे वो कहा करते थे, और जी हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका की मदद से अमेरिका को नहीं हमने हराया, हमने अपनी मदद से अपने आप को ही हरा दिया कि हमने जहादी बनाए, क्या क्या किया। आज देखें अमरीका के अंदर आज आप जहाज़ में अगर बैठे हों तो जहाज़ जो है ना उसमें 80% इंडियंस होते हैं, जो जहाज़ दुबई से, अबू धाबी से, कतर से, इन जगहों से आता है, ठीक है, उसमें 80% इंडियंस होते हैं। दैट्स वेयर द इंडियंस आर लैंडिंग इन US, बिकॉज ये नहीं है कि कोई अमेरिका इंडियन के ऊपर मेहरबान है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द पावर। वो जो बच्चे हैं, अगर आप उनको देखें कि जो बच्चे वो अमेरिका बनाने आए हुए हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को मिला हूँ, वंस आई मेट समवन एट बॉस्टन के अंदर मैं मिला था, जो यहाँ पे आज से 40 साल पहले आया, और उस बंदे ने मुझे बताया कि आज अगर अमेरिका के अंदर मॉडर्ना वैक्सीन बनी है तो उसमें 1% हमारी कंपनी का भी किरदार है। सो दैट्स हाउ द इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट्स हाउ द इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अमेरिका। हम इंडियंस अमेरिका के अंदर किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये है वो चीज़। और ये चीज़ जो है वो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि अगर वो कहें कि हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन। और मैं आपको बात बताऊँ, वो जगह है, अगर मैं आपको मेरा कैमरा पता नहीं, आई एम नॉट गुड इन फिल्मिंग एंड फिल्म मेकिंग, वो जो सामने अगर आपको वो अगर जो एक वो बॉब वाइड्स ही हैं नज़र आती हैं आपको सामने, तो वो एक जगह है जहाँ पे आज वज़ीर आज़म मोदी कह रहे थे कि मैं आज से 30 साल पहले आया था और मैं बाहर दीवार पे खड़े होकर मैंने तस्वीरें बनाई थी, और आज मैं एज ए स्टेट गेस्ट आया हूँ। तो इसका मतलब ये भी है कि बंदे ने मेहनत की है यार, वो बंदा मेहनत करके यहाँ पहुँचा, किसी ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। वो पाकिस्तान में होता ना, लीडर बनाए जाते हैं, इमरान खान को बनाया गया, इमरान खान की करेक्टर बनाया गया, वो बंदा खुद बना है, वो चाय वाला है, वो कौन है वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है। और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है, वो विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ बैठ के अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है, मतलब अगर वो गिफ्ट भी दे रहा है वाईबी यीट्स का, तो उसके आई थिंक ट्रांसलेशन है इंडियन नहीं, वो इंडियन इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। आप इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। और मज़े की बात है, मैं एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विज़िट के ऊपर, हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विज़िट हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है, मतलब बड़ी
गलत मैंने वर्ड यूज़ किया, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ कि यार हमें कोई काम नहीं आता और हमें बस रोना ही आता है कि वो अपनी या पुरानी या दुश्मनी या अपनी पुरानी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह करता, जजा ने यह करता, जनरल्स ने यह कर दिया, पार्लियामेंट ने यह कर दिया, इमरान खान इस चीज़ पे रो रहा है, वो कह रहा है ये चीज़ मैनेज करो, मिलिट्री कोर्ट्स, हम किधर, हम बातें कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, बातें तो हमसे अगर डेमोक्रेसी की करेंगे तो हमारी कौन सी डेमोक्रेसी है भाई, हम इंडिया की डेमोक्रेसी की तो आप बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी हमारे पास, हम अगर मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए, क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी दुनिया के बहुत जगहों पे बनी हुई हैं, और यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है इस वाइट हाउस में, इस वाइट हाउस में जहाँ पे पीएम मोदी और जो फर्स्ट लेडी है वो, और क्या नाम है उसका, जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो वेलकम करके बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा दिन को अमेरिका में, और काम ही कोई नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया के सदर को, इंडिया के वज़ीर आज़म को वो समझते हैं कि यार हमें होना चाहिए। बहुत सारे जो इंडियंस हैं तो मुझे बड़ी तादाद में, शायद अभी जब मैं आया हूँ, ये शाम का वक्त है, शाम 6:30-7 बजे का वक्त है जब मैं आया हूँ यहाँ पर, शायद मॉर्निंग में यहाँ पर लोग होंगे मौजूद, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। और अभी मेरा ख्याल है इन्होंने वो जो जब मैं आया हूँ तो वो जो ये रास्ता इन्होंने बंद किया, पहले ये खुला हुआ था, दोपहर में शायद ये लोगों को वहाँ पे जाने की इजाज़त थी, लेकिन अभी ये जाने की इजाज़त नहीं है। शायद उसकी वजह ये है कि जब मैं यहाँ पे आया तो जस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है वो बिल्कुल अंदर जा रहा था, और यहाँ पे लोग नारे भी मार रहे थे, कुछ इंडियंस थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जिसे आप कह लें कि फॉरेनर्स ही हैं, सॉरी अमेरिकन हैं, और डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो देख रहे हैं, जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखना चाहते थे, सारी बात है, नज़र तो वो नहीं आएंगे, लेकिन वो जो एक रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, वो जो ताल्लुक़ की हम बात करते हैं, वो ताल्लुक़ भाई बात बढ़ गई है। अब पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान ने क्या सोचना है, जितनी टेक्नोलॉजी, जितना वेपन, जितना असला, जितनी इकोनॉमिक सपोर्ट, जितनी इंडस्ट्री इंडिया की यहाँ पर लगेगी, अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होगी, आपको उसकी, आपको जिसे वो कहते हैं ना, दे विल अनलीश द एंटायर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, सारे का सारा प्राइवेट सेक्टर वहाँ पहुँच जाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। हमें तो वॉर एंड टेरर के दरमियान वो जो हमें पैसे आए, ये चीज़ें आई, वो तो हमारी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिली, उससे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साढ़े बड़े खाक हो गए हैं, ज़्यादातर तो यही बातें होती हैं, लेकिन ज़ाहरी बात है, और ज़्यादा सपोर्ट सिक्योरिटी मिलिट्री में थी, सिविलियन बहुत ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका ने दी हमारे बच्चों को। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे रह गए हैं, थैंक्स टू अमेरिका एंड थैंक्स टू वेस्ट, क्योंकि ये सारे लड़के बंदे हमारे यहाँ अमेरिका से पढ़ के गए थे, और इन्होंने हमें स्कॉलरशिप दी है, ये वापस जाके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी में, कि मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर कर रहे हैं, सो दैट मेक्स द केस। हमें इससे पता चलता है कि ये जो हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो अमेरिकन ने बहुत ज़्यादा की हुई है, सारे के सारे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटियों के स्कॉलरशिप इधर थिंक टैंक्स में, लेकिन आज अमेरिका के थिंक टैंक में पाकिस्तान की बात नहीं होती, आज अमेरिका के थिंक टैंक में इंडिया की बात होती है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता पायन कि मैं जो है ना कि इस थिंक टैंक के अंदर जिसे वो कहते हैं कि आपको पाकिस्तान के वाले से डिस्कशन होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो भारत का वज़ीर आज़म आया हुआ है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म उधर पेरिस में बैठा हुआ है, किस चक्कर में बैठा हुआ है, हमारा वज़ीर आज़म पेरिस में बैठा हुआ है कि यार हमें वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे, IMF चीफ के तरले कर रहा है, ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के हेड हैं जॉन किर्बी, उनकी क्या स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट थी कल कि हम अमेरिका जो है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने में मदद करेंगे, वी विल हेल्प अमेरिका इंडिया, हम इंडिया की मदद करेंगे, असी इंडिया को चुकाएंगे, हम इनको लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, अगर इंडिया ये करना चाहता तो हम करेंगे, इट मीन्स कि हम इंडिया का ग्लोबल साउथ की लीडरशिप देंगे। ये ऐसा ही है कि इंडिया को उन्होंने कहा पायन वो जड़ा इलाका है ना इंडो पैसिफिक का, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एशिया, सेंट्रल एशिया, और क्या नाम है, मिडल ईस्ट, ये सारा तोड़ा, ठीक है, ये आप यही समझें कि इंडिया को बेसिकली उन्होंने आउटसोर्स कर दी है वो इलाका, और अब इंडिया की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, सारी बात है, वो चैलेंज है। पाकिस्तान इट्सेल्फ इज़ अ मिलिट्री पार, पाकिस्तान के 75 साल की, पाकिस्तान कहता है कि हमने 75 साल कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इंडिया को मैनेज किया, सो हमें बड़े अच्छे से पता है कि हम ने इंडिया का की करना है ऐसा। इंडिया को सारी बात है चैलेंज है, दो उसके जो नेबर्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं,
चलो चाइना तो और सेंस में हम हमारे पास सारी बात है बड़ी बड़ी तो साढ़े को न्यूक्लियर दैट इज़ वाई हम फिर न्यूक्लियर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर न्यूक्लियर लेकिन सारी बात है आज के ज़माने में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो न्यूक्लियर नहीं है। आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। आज के ज़माने में आपकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो सोसाइटियल सिक्योरिटी है। तो ये चीज़ें हैं जिसको हमें फोकस करना है, हमको जिसको हमने देखना है और जिस पर हमने काम करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो इसमें मैं बस क्योंकि आया हुआ था यहाँ पे वाशिंगटन में तो मैंने सोचा मैं क्यों ना यहाँ पे आके अपने दोस्तों को, हमारे जो दोस्त हैं, मेरे जो भाई दोस्त बहनें हमें जो देखते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ का, वैसे तो टीवी पे सारा चल रहा होता है लेकिन इतना इस तरह नहीं चीज़ें चल रही होंगी जिस तरह ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा रश नहीं है बिल्कुल, वो मैंने बताया कि वो बिल्कुल जो जंगले से नज़र आ रहे हैं वो वहाँ पे वो वाइट हाउस की वायर्स हैं, वो उनकी वो दीवार सी है और उससे आगे ये पार्क है और इस पार्क में अक्सर मैं आता हूँ, कई दफ़ा आया हूँ और यहाँ पे लोगों को मिल गिल के भी गए हैं कई दफ़ा। मैंने तो लास्ट टाइम इस पार्क में जब आया था तो आर्मी चीफ, हमारे पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। खैर मैंने तो उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन मुझे दुख बड़ा हुआ और यहीं बैठ के उस जगह पर मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि पायन ऐसा जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तानियों को होश के ना हो लेना चाहिए, अपने मसले बाहर सड़कों पर ना रखें। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने ये कहा हुआ था यार कि तुसा की करना है, तुसा सड़कों पर जाके अमरीका वाइट हाउस के सामने जाके आर्मी चीफ को गालियाँ दो ताकि आपकी बल्ले बल्ले हो, इसलिए वो सारे हमारे जो दोस्त भाई पाकिस्तानी जो सारे मुहब्बे वतन हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो इन चीज़ों में लगे हुए थे। बट एनी हो लेट्स सी क्या होता है। अभी जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी जितनी देर अंदर है ये लॉन तो सील ही देगा, वरना मैं आपको आगे लेके जाता थोड़ा सा वाइट हाउस के आगे और मैं आपको दिखाता। ये सिक्योरिटी आपको पता है, ये सीक्रेट सर्विस है जो खड़ी हुई है हर तरफ और जारी बात है इनकी जॉब प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रोटेक्ट करना है और ये करना है। एनी हाउ थैंक यू वेरी मच और डिटेल गपशप करेंगे आपके साथ, इसको एनालाइज भी करेंगे, आज भी हमने किया था, मज़ीद जो है उसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।